देखिए टालीगंज में मैं आई हूँ ऐसा घूमने के लिए आई थी, मगर यहाँ पे आके देखा बहुत खूबसूरत एक मंदिर है, जो मंदिर मैं भी देखूंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। ये मंदिर के अंश, ये पूरा जगह जितना भी देख रहे हैं ये सारे मंदिर का अंश है। और यहाँ पे सामने जो देख रहे हैं ये गंगा का घाट है, ये भी मंदिर से हम लोग गंगा का पानी लेके मंदिर में डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है यहाँ पे मैंने जो सुनी हूँ 12 शिव जी का मंदिर है, राधा कृष्ण जी के मंदिर है। तो मैं अभी मंदिर के अंदर जा रही हूँ, मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, मैं मंदिर के अंदर जा रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ मंदिर के अंदर आइए। देखिए ये मंदिर का गेट है, ये मंदिर का गेट ओपन करके मैं अंदर आ रही हूँ। देखिए ये अंदर से पूरा मंदिर, देखिए ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, ये 250 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर होने के बाद आप लोग जो दक्षिणेश्वर मंदिर में आप जाते हो, वो दक्षिणेश्वर मंदिर इसकी बाद बने गए हैं, मतलब दक्षिणेश्वर मंदिर से पहले ये मंदिर बना हुआ है, मगर ये मंदिर अभी थोड़ा सा खंडर जैसे बनते जा रहा है। आप लोग प्लीज़ जहाँ पे भी हो, कभी भी आते हो तो यहाँ पे आइए, ये मंदिर को दर्शन कीजिए। तो अभी देखिए मैं आपको एक सिंहासन दिखाऊंगी, जो सिंहासन पूजा के टाइम पे इसका बीच में लाया जाता है और वहाँ पे पूजा होता है। ये सिंहासन देखिए यहाँ पे रखा गया है, चलो चलो जाओ, ये भी बहुत पुराना हो चुका है, मगर इसको इसके अंदर ये सिंहासन के अंदर ही पूजा चलते है। अब आइए देखिए, ये है सिंहासन, देखिए ये पुराना, देखिए कितना पुराना, मगर जब भी पूजा होता है यही सिंहासन में पूजा होता है, यही सिंहासन बीच में ले आ जाता है और इसमें पूजा चलते है। इसमें देखिए हर एक में बंद, बंद, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो आपको हर एक मंदिर में डिजाइन तो देखिए, सिंहासन का डिजाइन था, ये देखिए इसका पूरा डिजाइन देखिए, ये मतलब जोड़ा जाता है, इसको पार्ट पार्ट अभी रखा गया, देखिए ये पार्ट पार्ट करके रखा गया, मगर इसको जब पूजा होता है वो जोड़ जोड़ के वहाँ पे पूजा होता है। देखिए हम बोलते हैं ना आप लोग का हर एक में शिव जी है, देखिए इसके अंदर भी शिव जी है, देखिए तो प्लीज प्लीज इतना पुराना मंदिर को आप लोग टूटने मत दीजिए, सब मिलके ये मंदिर को देखिए, बहुत पुराना 250 साल के पुराना मंदिर, 12 शिव जी मिलेगा, ये सारे मंदिर को आप लोग जरूर दर्शन कीजिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आप लोगों को लेके आई हूँ। इसके बाहर भी गंगा का घाट है, जो हम लोग आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, आइए मेरे साथ। देखिए ये जो मंदिर है, मंदिर के बाहर आते ही यहाँ पे आदि गंगा है, जो गंगा में आप लोग पानी लेके शिव जी को चढ़ा सकते हैं। ये आदि गंगा बोला जाता है, पूजा के टाइम पे आप लोग पानी ले सकते हैं। यहाँ पे आदि गंगा के साइड में देखिए ये कड़ा है, इसका स्ट्रक्चर कड़ा है, ये बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है, मगर अभी भी इसको कोई रेनोवेट नहीं किया गया। ये देखिए यहाँ पे आदि गंगा का साइड में ये जो देख रहे हैं ये सब देखिए आदि गंगा है, ये गंगा के सामने आप लोग आइए, आप लोग पूजा कीजिए, आप लोग जो चाहते हैं आपका मनोकामना जरूर पूरा होगा, उसका कोशिश कीजिए, भगवान के साथ है। तो मैं दर्शन करने आई हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कीजिए और भगवान के आशीर्वाद में सब खुश रहिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मूर्ति तैयार कर रहे हैं, यहाँ गणेश जी का मूर्ति अभी तैयार हो रहा है, ये मिट्टी से बन रहे हैं, और जो कूलर जिसमें आप लोग चाय पीते हैं, दही लेते हैं, यहाँ पे ये कूलर भी देखिए कैसे बनाया जाता है, ये सब यहाँ से बन रहे हैं। बिल्कुल खड़ा होता है उसकी वर्षा का, या फिर दूसरा वाला